कहाँ गए सब लोग? ये आदमी हमें ऐसे क्यों बुला रहा है? क्या हुआ आदमी? आपने इतना बड़ा कदम उठाया और मुझे बताया तक नहीं। वो हमने, अगर आपको भोला को अपने साथ रखना था तो मुझे बता देती, मैं मना थोड़ी करता। माँ भैया जी, बहुत बड़ा दिल है ठकुराइन जी का। ना सिर्फ इन्होंने मुझे घर में जगा दी, ये भी बोला कि मैं इसे पोते जैसे मानती हूँ। चक्रम, भोला के लिए मेहमानों वाला कमरा तैयार करो, और माँ के फैसले के सम्मान में मैंने भी एक फैसला किया है। माँ, आज से इस भोले आग के घोले का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। छोटा मुंह बड़ी बात, आप तो मर्द हो भैया जी, आपको एक फैसला लेने के लिए एक औरत की मर्जी की जरूरत क्यों है? बल्कि एक औरत होने के नाते आपका कर्तव्य और अधिकार बस इतना है कि आप मेरे लिए नीम के पत्तों का लेप बनाएं। वैसे आप मेरे लिए खर्चा क्यों उठाएंगे? बच्चों का खर्चा उठाने का काम तो उनके बाबा का होता है ना। तो मुझे अपना बाबा ही समझ ले। मतलब आज से मैं आपको बाबा जैसे भैया जी कहकर बुला सकता हूँ? हाँ ठीक है।